हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल जॉलजी। सभी डी यू स्टूडेंट्स के लिए क्विक अपडेट है, चाहे वो फाइनल ईयर के हो, फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, सोल में पढ़ने वाले हो, एनसीवैब में पढ़ने वाले हो या रेगुलर स्टूडेंट हो। देखो, पहले फाइनल ईयर की हम बात कर लेते हैं कि जो फाइनल ईयर के बच्चे जिनके अभी एग्ज़ाम होने थे मई में, वो अब पोस्टपोन कर दिए गए हैं। सिंपल सी बात है, ये आर्टिकल द हिंदू का है तो जेन्युइन ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ फेक है। ये आप जैसा कि देख सकते हो उसमें मेंशन है कि 1 जून से अब एग्ज़ाम होंगे। ये किसने बताया? ये बताया DS रावत ने, जो कि DU के एग्जामिनेशन के डीन है। ठीक है, अभी इनके अकॉर्डिंग सैटरडे को एक मीटिंग हुई थी जिसमें वाइस चांसलर सर भी थे, एंड डिसाइड किया गया कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं जून तक। बाकी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है DU की साइट पर, वो आ जाएगा मंडे को। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी ये आपको आज तो नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा, मतलब कि नोटिफिकेशन। ठीक है, देन दूसरा ये है कि जो बच्चे अभी जो टर्मिनल बैचेस हैं, ये उनके लिए बात हुई है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जो इंटरमीडिएट बैचेस हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर हो गए या सेकंड ईयर हो गए, यानी कि आपका सेकंड सेम हो गया एंड फोर्थ सेम हो गया, उन सब के एग्ज़ाम क्या है, कैंसिल कर दिए गए हैं। गौर से पढ़ो इस आर्टिकल को, इसमें साफ मेंशन किया गया है कि जो इंटरमीडिएट बैच है, इंटरमीडिएट बैचेस का मतलब है कि जो आपके सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जो उनके बैचेस हैं, उनके एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं। एंड बाकी इसका नोटिफिकेशन जब आएगा तब आप देख लेना। अभी इस चीज़ इनके अकॉर्डिंग ये बताया गया, और ये किसने बोला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मिस्टर रावत ने बोला है, जो कि एग्जामिनेशन के हेड हैं। एंड ये सब आपके बदौलत ही हुआ है, क्योंकि आप सभी ने अपील वगैरह की थी, थोड़ा बोला था कि सर ऐसा कैसे चलेगा, कोविड के केस इतने बढ़ रहे हैं, हमें मारना चाहते हो क्या। तो फाइनली इन लोगों ने सुन लिया है, एंड एग्ज़ाम अब आपके पोस्टपोन हो गए हैं। जो कि फाइनल ईयर में बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, एंड जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं एंड फर्स्ट ईयर में हैं, तो मोस्ट लाइकली कैंसिल ही हो गए हैं, जैसा कि इन्होंने बोला है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो थोड़ा सब्र कर लेना, एंड जैसे नोटिफिकेशन आता है तो नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ने लग जाना। DU में हो, मुझे पता है तुम ढंग से पढ़ने वाले तो हो नहीं, लेकिन फिर भी बताना, मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं भी DU का निकला हुआ हूँ तो मुझे पता है क्या हालत रहती है बच्चों की। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई और DU से रिलेटेड अपडेट्स आपको चाहिए हो, जो कि फ्यूचर में आएंगी, तो आपको हम बता ही देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड वीडियो को भी शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी पता चल जाए हाँ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।